देखो ये देखो आपको समझना पड़ेगा, एक देश है, देश चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है और हम लोगों को भरोसा था कि मोदी सरकार बहुत अच्छी तरह ये देश को चलाएगी, लेकिन कभी कभी ये कोई ना कोई इनके एजेंडा में जो चीज़ें हैं वो इनने सोची हुई हैं कि देश के लिए शायद ख़राब है और वो उसको घुसा देते हैं और उसमें फिर हैवॉक होता है, राइट्स होते हैं। पर आपको समझना पड़ेगा ये जो राइट्स होते हैं ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मेरे जैसा आदमी भी अच्छी तरह समझ नहीं पाया एग्जैक्टली ये है क्या। तो छोटे छोटे बच्चों को 500 रुपये दे के राइट्स करा के पत्थर मरवाने के लिए जो लोग कर रहे हैं वो क्लियर दिखता है कि भाई ये रियल लोग नहीं है, पोस्टर भी किसी ने बना के बांटे हैं और सब ऐसे 500 रुपये लेके खड़े हुए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई प्रोसिक्यूट यानी जो दूसरे देशों में किसी हिंदू किसी और कौम के साथ गड़बड़ हो रही है तो उनको इंडिया आना अलाउड होगा और वो यहाँ आ सकते हैं और वो वैसे ही मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो उसी लिए आई थिंक इन लोगों ने ऐसा रखा कि मुस्लिम नहीं, लेकिन अगर वो मुस्लिम भी लिख देते तो बहुत सारे आ जाते हैं, क्योंकि वो तो कंट्रियाँ बकवास है और इंडिया बहुत ही बेहतरीन है। तो इसीलिए शायद नहीं लिखा, पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन जब कंट्री में आपका रूल चल रहा है तो आपको ही ऐसा पंगा नहीं लेना चाहिए जिसमें आपका यानी आगे बढ़ने के बजाय वापस गड़बड़े हो। तो आई थिंक बीजेपी वाले ट्राई कर रहे हैं अच्छा, लेकिन बैकफायर कर रहा है और दूसरी ऑपोजिशन की पार्टियाँ 500 देके करवा रही हैं।